कोई भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के आईपीओ को जीएमपी देखकर ही बाय करता है और अक्सर कहा भी जाता है, अगर किसी कंपनी की जीएमपी हाई है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी कंपनी के आईपीओ की जीएमपी लो है या घट रही है तो उसे रिस्की माना जाता है। हम जानेंगे जीएमपी क्या है और साथ ही लिस्टिंग गेन क्या होता है। जीएमपी जिसका फुल फॉर्म है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रे मार्केट और प्रीमियम। जब हम शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं तो वो होता है व्हाइट मार्केट, क्योंकि ये एक तो लीगल है एंड सेकंड ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और एक होता है ब्लैक मार्केट, यहाँ अलग अलग चीज़ों की कालाबाजारी की जाती है, ये इलीगल भी है और इसे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। और इन दोनों के बीच होता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट ना तो लीगल है और ना ही इलीगल, यानी पर्दे के पीछे बाइंग और सेलिंग तो होती है पर इसे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। ग्रे मार्केट को तो आप समझ गए, अब आता है प्रीमियम। प्रीमियम को हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी हमें किसी भी चीज के फिक्स प्राइस से एक्स्ट्रा जो भी मिल रहा है वो होता है प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड कंपनी अपने आईपीओ की कीमत 19 रुपीज पर शेयर तय करती है और इसका आईपीओ जीएमपी 50 रुपीज है, यानी तब कंपनी 140 रुपीज पर लिस्ट होगी। इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग डे पर 55% प्रॉफिट होगा और यही एक्स्ट्रा प्रीमियम कहलाता है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ की डिटेल्स डिक्लेयर होने से लेकर लिस्टिंग डे तक लगभग 15 डेज का गैप होता है और इसमें 4 मेन डेट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफर स्टार्ट डेट, यानी जिस दिन से आप आईपीओ में बिड कर सकते हैं। सेकंड ऑफर एंड डेट, यानी अब आप आईपीओ में बिड नहीं कर सकते। थर्ड अलॉटमेंट डेट, यानी जिस दिन आपको ये पता चलता है कि आपको लॉट कंफर्म हुआ है या नहीं। अगर लॉट कंफर्म हुआ है तो बैंक से फीस मनी आईपीओ में इन्वेस्ट हो जाती है, और अगर आपको लॉट नहीं मिलता है तो अलॉटमेंट डेट से नेक्स्ट डे आपको आपका पैसा रिफंड या अनफ्रीज कर दिया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट लिस्टिंग डेट, लिस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस डेट को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस कैसे निकालते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आईपीओ जिसका शेयर प्राइस रखा गया है 1000 रुपीज और इसके एक लोट का साइज है 15 शेयर्स, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज है। मान लो एक सेलर अपने शेयर्स लिस्टिंग डे से पहले ही सेल करने को रेडी है। अब एक बायर आता है जो सेलर को अप्रोच करता है कि मैं आज ही 1300 पर शेयर देने को तैयार हूँ, यानी पर शेयर 300 रुपीज एक्स्ट्रा। यही एक्स्ट्रा 300 रुपीज ही जीएमपी प्राइस कहलाता है, क्योंकि बायर्स को कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि इस शेयर का प्राइस लिस्टिंग डे पर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट रिस्क सेलर से बायर की ओर ट्रांसफर हो जाता है। अब जानते हैं कोस्टक रेट क्या है, इसके लिए भी सेम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इस केस के अंदर बायर्स कहता है कि मैं आपकी एप्लीकेशंस खरीदने को तैयार हूं जो अभी तक अलॉट भी नहीं हुई है। बायर कहता है आपको अलॉटमेंट हो या ना हो आप मुझसे 500 रुपीज ले लीजिए, आपको तो 500 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरह से बायर बहुत सी एप्लीकेशंस बुक कर लेता है। तो ये संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बायर्स लेकर चलता है कि अगर मैंने 20 एप्लीकेशंस बुक कर ली हैं तो हो सकता है कि ये 5 लोगों को तो निकल ही आए। अगर उसकी 5 एप्लीकेशंस भी लग जाती हैं तो उसे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बशर्ते उसकी लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर हो। इस केस में अगर सेलर को आईपीओ अलॉट हो जाता है तो वो 15 शेयर्स या तो बायर्स को ट्रांसफर करे या जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा उसे बायर को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर डीलर मेक श्योर करेगा जो भी प्रॉफिट है सेलर बायर तक पहुँचा दे या बायर लॉस सेलर को ट्रांसफर कर दे। ये जो कोस्टक रेट होता है ये पर लोट कोट होता है, जैसे हमने जीएमपी में देखा था वो पर शेयर कोट हो रहा था, यहाँ कोस्टक रेट पर लोट कोट होता है। अब जानते हैं सब्जेक्ट टू सौदा रेट क्या है। जैसा कि हमने कोस्टक रेट के केस में देखा था, सेलर की एप्लीकेशन लगे या ना लगे उसे 500 रुपीज मिल ही रहे थे, लेकिन इस केस में क्या है, बायर सेलर को कहता है अगर आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो मैं आपको 1500 रुपीज दूंगा। यहाँ पर सेलर को 1500 रुपीज फिक्स मिलने ही हैं। अब चाहे बायर को लॉस हो या प्रॉफिट, जीएमपी के क्या रिस्क हैं? जीएमपी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ये मार्केट अनरेगुलेटेड है, यानी किसी अथॉरिटी द्वारा इसे रेगुलेट नहीं किया जाता। यहाँ कोई एग्रीमेंट इन रिटर्न नहीं होता, सभी एग्रीमेंट्स ओरली होते हैं। अगर बायर या सेलर अपनी ट्रांजैक्शंस ऑनर करने से मना कर दें तो कोई एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। आप सेबी के पास जा नहीं सकते और आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। एंड सेकंड, ये जो ग्रे मार्केट का प्राइस है इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, यानी डीलर जो भी प्राइस आपको कोट कर रहा है वो बस आपको मानना ही होगा। ये कहीं पर लाइव ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलायबल ही नहीं है। हमें नहीं पता जो भी प्राइस
किसी भी वेबसाइट पर दिया है उसको कितना रिलाय किया जा सकता है। और एक बात हमेशा याद रखें, ग्रे मार्केट का किसी भी कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ये लिस्टिंग गेन के लिए एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। इन कंक्लूजन, ग्रे मार्केट प्रीमियम को जब तक कोई आईपीओ लिस्ट होता है तब तक का मार्केट सेंटीमेंट्स इंडिकेटर मान सकते हैं, इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी जीएमपी किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स ग्रोथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे।